ओम शांति, आप सबका स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 23 कल की और आज की सैटरडे और संडे की ईश्वरीय वरदान की। और कल के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा हमें क्षमा पात्र बनाना चाहते हैं कि हमारे अंदर हम मास्टर क्षमा के सागर बन जाएं, ताकि हम किसी को अगर हम सुधारना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो क्षमा सबसे पहला एक कदम है। देखें परमात्मा कहता क्या है। अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भवा। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, आपको ऊंचा नीचा कहे, आपके अंदर गलतियां दिखाए, आपकी निंदा करे और उसके सामने आपको बुरा बोल दे, या आपकी कमी कमजोरियों के बारे में ही वर्णन करे आपको और आपको कहे कि आप अच्छे नहीं हो, आप किसी काम के नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती ना, या अकल्याण की वृत्ति रखे कि इनको आगे कैसे नहीं बढ़ने देना, इनको आगे बढ़ने नहीं देना है, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो। अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन, वो आपको बुरा चाहे लेकिन आप उनका भला चाहो। इसको कहते हैं सेंटहुड कहें, या इसको कहते हैं दिव्यता कहें। इसमें क्या भला है, इसमें क्या फ़ायदा है, हमारे मन की शांति रहती है, हम मन से अचल डोल रहते हैं और हम शक्तिशाली रहते हैं और हम देने वाले रहते हैं, लेने वाले नहीं। परिवर्तन नहीं कर सकते कि वृत्ति, बाबा कहते हैं अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा करो। अगर आपने कहा, उनको समझाया, उनको प्यार से समझाया, सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं, तो आप मास्टर क्षमा के सागर बनो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी, आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी, या तो आज, या तो कल, या तो परसों अनुभव जब होंगे उनको, उनकी उस नेगेटिव या कोई गलत उनकी कोई अगर आदतें हैं और आपने समझा नहीं समझे, लेकिन किसी दूसरे तीसरे चौथे दसवें इंसान ने भी उनको कहा और आपने कहीं क्षमा कर दिया, आपने कोई बारी समझाया नहीं, माने आप पीछे हट गए, लेकिन वो जो दूसरे लोग उनको जब एक्सपीरियंस कराएंगे उससे वो सीख ही जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता कोई नहीं है, कि नहीं, कलयुग चल रहा है ना, कुछ कुछ लोग तो आपके ऊपर ही चढ़ जाएंगे, तुम कौन होते समझाने वाले, तुमने देखा तुम्हारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना, लेकिन हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि हमने उनको अगर क्षमा किया है तो ये नहीं कि देखते हैं जरा चेंज हुए कि नहीं हुए, कल देखते हैं, तो कल के दिन अगर वो आए और उन्होंने फिर से गलत बातें करनी शुरू करी, बोले देखो ये तो कभी चेंज नहीं होगा इंसान, ऐसे नहीं, शुभ भावना रखना, शुभकामना रखना और साथ ही साथ उनको सहयोग देना। सहयोग देना कैसे है, बोल बोल के नहीं, उनको समय देना, उसके लिए हमारे अंदर धैर्यता, हमारे अंदर नम्रता होनी बहुत ज़रूरी है और हमारे अंदर सहन शक्ति होनी की बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर हम वेट करेंगे कि देखें जरा कल चेंज होते कि नहीं, परसों चेंज होते नहीं, तो हम खुद ही थक जाएंगे और फिर हमारे अंदर ही वो क्षमा भाव ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसके साथ में और गुणों की ज़रूरत है, वो गुण आते हैं मेडिटेशन करने से, राजयोग के। तो इसको सीखना अगर आप चाहते हैं तो आप निःशुल्क ब्रह्मा कुमारी समझा करके सीख सकते हैं कि और कौन सी चीज़ें चाहिए ताकि मैं इस सिचुएशन को संभाल पाऊँ, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं अपने संबंध ठीक रख पाऊँ। इसके साथ ओम शांति।